शिमला शहर के साथ सटे कल्लू क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि यहां एक तेंदुए ने 5 साल की मासूम बच्ची को अपना शिकार बना लिया। घटना वीरवार रात करीब 8:30 बजे की है। बता दें कि कल्लू क्षेत्र में बने मजदूरों की एक धारे से वीरवार देर रात तेंदुआ एक बच्ची को उठा ले गया। देर रात तक बच्ची की तलाश की गई। हालांकि देर रात वन्य जीव विभाग को जंगल में लड़की के कुछ कपड़े मिले थे, कुछ एक जगह से खून के धब्बे भी मिले थे, लेकिन शुक्रवार सुबह दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिस दौरान मासूम बच्ची का सिर मिला है। आपको बता दें कि करीब 5 साल की यह बच्ची अपनी बुजुर्ग दादी माँ के साथ यहाँ रहती थी। लड़की को ले गया बोल के मैं तो फिर क्या करना था, फिर और क्या बोलूंगी बाद में। इस क्षेत्र में कई मजदूर धारे बनाकर रह रहे हैं। इनमें से कई मजदूरों के पास पालतू कुत्ते भी हैं। अंदेशा है कि यह तेंदुआ कुत्ते के लिए घात लगाए बैठा था, लेकिन जैसे ही एक धारे से बच्चे बाहर निकली तो तेंदुए ने उसे ही अपना शिकार बना लिया। तेंदुए का शिकार बनी मासूम बच्चे की दादी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने नम आंखों से पूरी बात बताई। कल 8:30 बजे हुई, मैं बाहर ही खाना बनाती हूँ तो बना रही थी, मैं वहीं बैठी थी। 1.5 मीटर की बात है, 1.5 मीटर में बच्ची सुसु करने गई और वहाँ बाल्टिंग रखे थे, तो बाल्टिंग से मेरे को पता चली। अगर बाल्टी नहीं रहने से मेरे को पता ही नहीं चलना था कि मेरे लड़की क्यों नहीं आ रही है। 2 मिनट हो जा रही, सुसु करने के लिए तो 2 मिनट नहीं लगेगा बोल के बोलती, पर जैसा दादी सुसु बोल के गई और जैसा गई वैसे बाल्टी गिर गई। मैं सोच रही हूँ कि ये लड़की गिर गई, ये लड़की तो 2 थप्पड़ लगाऊंगी बोल के मैं उसी टाइम दौड़ के चल पड़ी। देख रही प्रियंका बोल रही हूँ तो प्रियंका आवाज़ नहीं दी। फिर थोड़ा अंधेरा था, फिर मैं अंदर घुस के मैं मोबाइल लाने गई, मोबाइल से ऐसा टॉर्चा रही हूँ। उतना तक एक बंदा आया, बोल रहे ए बुढ़ी, बोल रहे क्या तेरा नाती कहाँ, नाती को तो देख रही हूँ रे बाल्टी गिरी तो लड़की गिर गई बोल के देख रही हूँ। नहीं कोई चीज़ आया था, उसने दादी बोल के एक बार चिल्लाई और उसने खींच के ले रही थी, खींचने का आवाज़ मेरे को सुनाई दिया बोल के बोला वो बंदा। फिर सच मेरे लड़की को ले गया बोल के मैं तो रोनी शुरू कर दी, फिर क्या करना था फिर और क्या बोलूंगी बाद में, हाँ फिर क्या बोलना और, फिर तो मामला ही खत्म हो गया। 5 साल से 1-2 महीना ज्यादा हो रहा था। वहीं DFO शिमला अर्बन पवन कुमार चौहान ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में घटित हुई यह घटना बेहद दुखदायी है। उन्होंने सभी से अपील की है कि सभी लोग जागरूक रहें और घर से बाहर जब भी निकलें तो सावधानी बरतें। जैसे हमारी PCC वाइल्ड लाइफ मैम अभी आए थे, उन्होंने भी बताया कि हम लोग मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ क्यों रहा है कि आदमी उनके क्षेत्र में एनक्रोच कर रहा है और जो दूरियाँ हैं दोनों के क्षेत्र में रहने के इलाकों में वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, मिटती जा रही हैं। अब यहाँ पे एक निर्माणाधीन जो बिल्डिंग थी इसमें लेबर रह रही थी कुछ समय से, तो बच्चे भी साथ थे। अब दादी चूल्हे के पास बैठी हुई और वो लड़की ज़रा सा उठ के उनकी नज़रों से ओझल हुई, पेशाब करने के लिए गई। तो ये जो घटनाएँ दूर दराज के इलाकों में इसी तरह की पेश आती हैं, तो मेरा मानना यह है कि कोई भी बाहर जाए
तो बिना लाइट के ना जाए, जहाँ रोशनी हो काफ़ी। और दूसरा, जो नीचे बैठेगा, मतलब अपने खुद को रिलीव करने के लिए नेचर्स कॉल, तो वो लेपर्ड को अपने से छोटा दिखाई देता है। जब उसको अपने से छोटी कोई भी चीज़ दिखाई देती है, उसके लिए हम भोजन हैं, उसके लिए हम इंसान नहीं हैं, उसके लिए हम भी एक जो भोजन श्रृंखला का हिस्सा हैं। जब वो अपने से छोटी कोई चीज़ देखता तो उसको ये समझ आता है कि उसकी जो अपनी बुद्धि है कि मैं इसको मार सकता हूँ। अब हमारी भी अपनी जो मेरे मन में विचार आया कि हम अपने से तगड़ा आदमी देखते हैं तो हम बोलते हैं नहीं यार, ये मेरे को पीटेगा, इसके साथ झगड़ा नहीं करना। लेपर्ड भी सॉलिटरी एक जानवर है, ये रात में भी काफ़ी लंबी दूरी तय करता है भोजन के लिए। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने आसपास थोड़ा लाइट को बढ़ाएं। वो हमने जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर, उनको निर्देश दे दिए हैं कि आप लाइट थोड़ी बढ़ाएं, थोड़ी फैसिलिटी नज़दीक करें, क्योंकि इनकी फैसिलिटी भी मैं देख रहा हूँ जंगल में थोड़ा दूर है। अगर एडल्ट आदमी भी वहाँ जा रहा है तो उसको ट्रैवल करना पड़ेगा एक ऐसा पैच जिसमें लाइट की कमी है, थोड़ी झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों के अंदर से अटैक करना उसको बड़ा ईजी है। तो वो इंस्ट्रक्शन हमने दे दिए हैं और हम इसको कैप्चर करने की भी कोशिश करेंगे अब, क्योंकि थोड़ा अगर कैप्चर करके रिलोकेट किया जाता है, वैसे कायदे से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के हिसाब से वो भी गलत है, पर अब चलो थोड़ा सा ह्यूमन्स को भी हमने देखना है, तो उस वजह से हम इसको थोड़ा रिलोकेट करने की भी कोशिश करेंगे, प्रयासरत रहेंगे।